हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू करने वाला हूँ राजधानी बेसन का। बेसन जो होता है वो हमारे भारतीय जो भी हमारी डिशेस बनती है घर में उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और इसलिए मैंने सोचा कि जो अभी मैं बेसन मंगवा रहा हूँ राजधानी का, जो कि एक अच्छा ब्रांड है, उसका एक बार रिव्यू करके आपको दिखाऊँ। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के अंदर आता है राजधानी का जो बेसन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कभी भी बेसन खरीदें तो देखेंगे उसमें चना दाल का कंपोनेंट कितना है। तो इसमें आप देखेंगे कि चना दाल का जो कंपोजिशन है वो 100% है। दैट मीन्स कि जो आपका बेसन है वो प्योर है, क्वालिटी उसकी अच्छी है। तो किस किस डिशेस में आप बेसन का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे बताया गया कि आप कढ़ी में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ढोकला वगैरह बनाना चाहते हैं उसमें भी कर सकते हैं, पकोड़े वगैरह बनाना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं, चीला वगैरह बनाना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल जो हमारी डिशेज हैं घरों में बनती हैं, इंडियन घरों में बनती हैं, उसमें बेसन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और पीछे की तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो पैकेट है वो कुछ इस तरीके से देखने में लगता है। क्वांटिटी अगर मैं दिखाऊं तो इस पैकेट की 500 ग्राम है, और इसके अलावा प्राइस जो है अराउंड 73 रुपीज़ मुझे इसका प्राइस पड़ा। आप देख सकते हैं कि पैकेट जो है हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी है, तो अंदर से आप बेसन की जो क्वालिटी है उसको भी देख सकते हैं। और इस तरफ यहाँ पे उनके कंज्यूमर केयर वगैरह के नंबर वगैरह मेंशन करे गए हैं, तो अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है, कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं या सेटिस्फाई नहीं है प्रोडक्ट से, तो आप इन नंबर्स पे कंप्लेंट करके प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। अब एक बारी मैं इस पैकेट को ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जब भी हम बेसन खरीदते हैं तो बेसन बहुत ज़्यादा महीन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महीन होना चाहिए। इस चीज़ का जब भी आप बेसन खरीदें ध्यान रखें। तो एक बारी देख लेते हैं, मैं आपको कटोरी में डाल के दिखा देता हूँ कि क्या ये बेसन भी बिल्कुल महीन है कि नहीं है। ये जो बेसन है, अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा इसको क्लोज ला के दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं इसको मैंने इस चम्मच में डाल दिया है, और ये कितना ज़्यादा महीन है। आप देखेंगे कि जो भी मैंने बताया था आपको कि जब भी आप बेसन खरीदें तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि बेसन जो है बिल्कुल महीन होना चाहिए। थोड़ा पास ला के अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये जो बेसन है महीन है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों। अगर आपके मन में अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है, आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।